राशन कार्ड नहीं दे रहे तो इस बार क्या करेंगे वोट का? नहीं देंगे वोट, वोट का चोट बदलाव इस बार नया फिर से। चलिए ना सफाई हो रहे हैं, सफाई ना हो रहा है, सरकार तो खाली चलता है पैसा वाला के पीछे, गरीब के पीछे कोई नहीं। कुछ नहीं किए, बोरिंग दिए, पानी दिए, पानी का ही दिए तो हो गया, पानी से पेट भर जाता। बच गया पिघुल, किसका बचेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत दूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आज हम तो पूछेंगे कार्यक्रम में, आज हमारी टीम आ पहुंची है वार्ड नंबर 57 में, हरिजन कॉलोनी में। यहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 57 में पिछले 5 वर्षों से कितना कार्य हुआ, कितना काम बाकी है और यहां की जनता क्या सोचती है, किसे सहरा पहनाएगी, कौन होगा इस गद्दी का दावेदार, किसके सर सजेगा सहरा, कितना काम हुआ है पिछले 5 वर्षों से। इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारी टीम आ पहुंची है वार्ड नंबर 57। कुछ लोग हमारे पीछे हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे, सीधी ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। जनता सोचती है, चाची वार्ड नंबर 57 में रहते हैं, काम हुआ चाची? काम नहीं होता है सर, और नहीं सफाई होता है, न कूड़ा उठता है, न झाड़ू पड़ता है, न कुछ दबाव कुछ नहीं छिटाता है। मोहल्लों ने बहुत डेंगू मच्छर फैल गया, खाली तो डेंगू के बाद फॉगिंग की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। पार्षद को बोले उनके प्रतिनिधि, उनके लोग कोई ऐसे नहीं करते हैं तो किसको से बोले? कुछ और लोग डेंगू का प्रकोप ज्यादा इस कॉलोनी में, सफाई की व्यवस्था क्या देख रहे हैं वोटिंग में, क्या करेंगे बदलाव? या वही बदलाव करेंगे, जो अच्छा मिलेगा उसको देंगे। राजू ने का तो वार्ड पार्षद कहा गंद की साफ कर रहा, पूरा एरिया में गंद की साफ, बोलने गए उनसे मिलने गए नहीं, वो आई थी वोट देने, आज तो देख रहे हमारे गली की व्यवस्था, फिर भी व्यवस्था नहीं है। नहीं चाची क्या कहती, इस बार किसी को वोट देना ही नहीं है, वॉकआउट वोट का करेंगे इस बार, वॉकआउट करेंगे, वोट देंगे ही नहीं। क्यों, सफाई नहीं हुआ इसलिए गुस्सा है? जी हाँ। गुस्सा है, पिछले पाँच वर्षों से काम नहीं हुआ, नहीं 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 पता चल जाएगा। स्वस्थ सब कैसे रहेंगे जब हमारे आसपास स्वस्थ रहेगा, घर साफ करने से थोड़ी सफाई होता है। स्वच्छता को लेकर मोदी सरकार भी कार्यक्रम चला रही है, मगर यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बस एक दो बार दिखावा में हो जाता है। इस बार बदलाव का मूड में है, होगा ही नहीं, इस बार भी वही हाल होगा, देखिएगा। और भी कुछ चाचा क्या कहते हैं इस बार? देखो हमको कहना है कि अभी तक पीछे पर खाना बना दिया है वार्ड नंबर 57 को, आज तक उसको चालू नहीं कराया, वो आता है तो नगर निगम के स्टाफ है जिसमें हम रिटायरमेंट है में, तो हम परसों बात हुआ बोले हैं तभी कुछ नहीं, छिड़काव नहीं होता है ना, कोई साहब आने वाले रहते हैं ना तो उस दिन बहुत सफाई। पूरा पूरा बोलिए ना एक बार, क्या साहब यहाँ आने वाले रहते हैं चेकिंग में तो पूरा सफाई होगा, और उसके बाद फिर वही कहानी। अच्छा राशन कार्ड वगैरह बनता है कि नहीं? राशन कार्ड आधा का है आधा का नहीं है, मिलने के उनके लिए मिलेगा, तो कभी कहते हैं इधर जाइए, कभी कहते हैं उधर जाइए, क्या राशन कार्ड नहीं मिला, कुछ बरसों से नहीं मिला। तो राजू मेहता जी से मिलने गए, मिलने गए तो कहते क्या काम लोग के है ये नहीं, क्यों भाई वो तो अधिकार है आपका, वोट हम देंगे, राशन कार्ड नहीं देंगे। तो इस बार क्या करेंगे वोट का? नहीं देंगे वोट, वोट का चोट बदलाव इस बार नया फिर से। नया फिर से, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हरिजन कॉलोनी में उनसे बाद में 57 में, भैया 57 में रहते हैं हरिजन कॉलोनी में, जैसे व्यवस्था तो है नहीं उतना, व्यवस्था जो चीज़ चाहिए आदमी को व्यवस्था मिलता नहीं है यहाँ, यहाँ हर सब बहुत आदमी को जा रहा बुखार से, आदमी मर रहा है डेंगू से, मर रहा है। निगम की तरफ से कोई ना ब्लीचिंग पाउडर मारने आता है, ना कोई टॉगिंग करने आता है, जबकि निगम का ऑफिस पीछे बगल में है, दावत नहीं है कि चिराग का लेके अंधेरा होता है, तो ये हाल यहाँ पर है। तो राजू मेहता जी क्या कहते हैं इस पर? राजू मेहता जी तो सिर्फ आते हैं घूम के चले जाते हैं, बस हाथ जोड़े बस चलते चलते बन गया। तो इस बार क्या मन बना रहे, चुनाव है वोटिंग तो करना होगा, वोट तो देना है ही, लेकिन ये है लोग कहते हैं कि हाँ भैया हम काम करेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन सब सिर्फ चुनावी मुद्दे तक नहीं वो सीमित रहता, जब एक बार चुनाव अगर जीत जाता है तो फिर उसके बाद चलते बन गया। राशन मिलता है कि नहीं? राशन कार्ड बना? कार्ड नहीं है, कार्ड भी नहीं बना, नहीं बना। काफी समस्या है, काफी लापरवाही है, आइए हम तमाम बातों से जानेंगे। तो इस घर में भी इनका कहना है कि तमाम लोग बीमार हैं, सभी लोग बीमार हैं, फिर भी वार्ड पार्षद जो है उनका कोई उनका कुछ भी ध्यान नहीं, पहले काम हो रही कि ना भाई तो बताओ, कुछ हो नहीं सफाई होता है कि नहीं? ना सफाई हो रहे हैं, सफाई भी ना हो रहा है, सब लेकर के डेंगू मच्छर।
बोलते हैं इस बात को लेकर कि हरिजन कॉलोनी में सफाई नहीं होता, पार्षद को मिले पार्षद महोदय से। इस बार उन्हीं को या फिर बदलाव की चोट को देख रहे हैं इस बार। रक्षा करेगा उसका देंगे, जो नहीं रक्षा करेगा उसका नहीं देंगे। इनको नहीं देंगे लेकिन क्या है, काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, गंदगी में रहेंगे तो कहाँ से देंगे। बोलिए चाची। अरे बोलू झाड़ू पार्षद तो साफ डेंगू में तो सफाई हुई पगेंगे कुछ तो पार्षद करे की बड़ी काम बोलने में काम न हो गए में है यहाँ की जनता। भैया भैया से बात करते हैं, वोटर है भैया, इस बार क्या काम हुआ इस बार में या फिर झाड़ू पार्षद महोदय से राजू मेहता नहीं किया। और भी लोग हैं, हम अंदर भी जाएंगे और यहाँ से भी जानने की कोशिश करेंगे कि 857 के हरिजन कॉलोनी के लोगों का क्या कुछ सोचा, क्या सोचती है। सीधा इन लोगों का आरोप है, काम नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों से, फोगिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है, 4 दिनों में एक बार कूड़ा उठता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हरिजन कॉलोनी के लोग कह रहे हैं। तो काम होता है यहाँ, काम होता है 1 दिन बीच का, 2 दिन बीच का क्या होता है। राशन कार्ड बना, राशन मिलता है, जी गरीब के बच्चा ऐसी पढ़ा लोग यहाँ पढ़ गया, अमीर के बच्चा के क्या हो रहा, नौकरी पर नौकरी, कमाई पर कमाई, और गरीब के क्या मिलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बाल बच्चा का तो प्रूफ है ये नहीं है, और राशन कहाँ से मिलेगा, राशन खाई जाता है अपनी, समझ गया ना कि केकरा जाता है, गरीब को कोई पूछता है, कहे नहीं पूछेगा गरीब को, कोई सुनवाई नहीं है, नहीं सरकार तो खाली चलता है पैसा वाला के पीछे, तो गरीब के पीछे कोई नहीं है। पार्षद महोदय कह रहे हैं कि हम तो काम किए, कौन सी काम किए, किसका काम, गंदगी देखिए ना आंखें से तो देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर। कॉलोनी में हम आए तो सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी डेंगू का प्रकोप है, कौची साफ हो रहा है, आता है जर्मनी कचरा उठाता है यहाँ से और ऊपर से चली जाता है, हो गया काम की गरीब का साफ नहीं है, किए नहीं किए, अब चलते जाते हैं बाट पास्टर के पास, जरूर अगर कोना दोना सब साफ कर देते हैं, वोट लेने के चलते कहाँ से क्या कर देता हूँ, और ऊपर से गरीब का कौची अगर पीछे करता है, वोट लेवे तो हाथ जोरिया जोरिया के चलता है। वो तो 5 साल को रहे हैं कि पूरा काम किए, काम किए कुछ नहीं किए, सब जगह सफाई का व्यवस्था, कुछ नहीं किए, बोरिंग दिए, पानी दिए, पानी का ही दिए तो हो गया, पानी से पेट भर जाता है, पानी से पेट, जब तक बाल बच्चा उसको कमाएगा नहीं व्यक्ति व्यक्ति तो कैसे पेट भरेगा, एक के कमाई से घर चलता है कहीं कि पूरा परिवार के कमाई से घर चलता है, कहा दी से कुछ नहीं, आते कि नहीं मोहल्ला में, नहीं कभी कदाल आई से हड्डे बड्डे मना के चल गई, बस हो गया। नंबर 57 के हरिजन कॉलोनी में और यहाँ से जान रहे ना काम हुआ है पिछले 5 वर्षों से, सिंहासन के संग्राम में किसकी होगी जीत, किसके सर सजेगा सहरा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम तो पूछेंगे कार्यक्रम में, अभी हम पहुंचे थे 57 में, अगली बार किसी और जगह पहुंचेंगे और वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है। हम हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को देखे सर सौर भारत यूट्यूब चैनल। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।